की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। माँ माई के पावन नवरात्रे समापन की ओर है और हम बात कर लेते हैं अश्विन नवमी पूजन की, यानी कि 11 तारीख यानी कि दिन शुक्रवार की और शनिवार को दशमी तिथि है। तो इस अष्टमी नवमी पर हमने पूरे नवरात्रों भर जितना भी कुछ महामारी को मनाने के लिए किया हो, या हमने कुछ भी नहीं किया हो, या बहुत थोड़ा किया हो, या हम कर नहीं पाए हो, तो सारी दुविधा एक तरफ करके एक जबरदस्त वाला महा उपाय बता रही हूँ जो आपके जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट, सारी परेशानी को दूर करेगा। आपको ये उपाय 11 तारीख को करना है और 12 तारीख को ये उपाय समाप्त होगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय है आपके जीवन के पूरे परिवार के कष्टों को दूर करने के लिए। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम बात कर रहे हैं दुर्गा अष्टमी नवमी कन्या पूजन वाले दिन की। आपने कन्या पूजन किसी भी दिन कर रहे हो, वैसे मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, बिना भ्रमित हुए हुए आप 11 तारीख को अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन करिए। और अगर फिर भी कोई दुविधा है तो नवमी वाले दिन आप ये चाहते हैं कि हम नवमी उस दिन दोपहर में ना करें, तो आप 12 तारीख की प्रातः 10:49 तक नवमी है, उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी यानी दशहरा पूजन प्रारंभ होगा, तो आप तो सुबह भी बेफिक्र होकर कर सकते हैं। मतलब डरने घबराने की कोई बात है नहीं, आपको सब सुविधाएं हैं, जैसे आपके भाव बने वैसे कर लीजिएगा। अब बात कर लेती हूँ मैं कि जो एक जबरदस्त वाला उपाय मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ, आपको करना क्या है, आपके घर के जितने भी सदस्य हों, जो भी बहुत परेशान भी हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, अगर छोटा बच्चा भी बहुत बीमार रहता हो, या बहुत जिद्दी हो, या बहुत चिड़चिड़ा हो, पढ़ नहीं रहा हो, कहना नहीं मान रहा हो वो, या फिर टीन एजर बच्चा है, आपके कहे में बिल्कुल भी नहीं है, गलत संगत में है, गलत बातें करता है, अब्यूजिंग करता है, और कुछ भी अगर उसकी प्रॉब्लम है वो, या कोई किसी को बहुत बीमारी है, हारी है, कोई परेशानी ऐसी है, तो किसी के ऊपर बहुत कर्जा है, तो किसी को के ऊपर बार 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 संकट आते हो, तो मतलब जो भी आपकी दिक्कत है, जिसकी भी दिक्कत है, उसके हिसाब से, उम्र के हिसाब से लौंग लेनी है। उपाय ध्यान से समझिए। सॉरी, एक बार और मैंने लौंग का उपाय बताया था आपको एक दो साल पहले, लेकिन वो विभिन्न था, ये अलग है, क्योंकि ये मंगल का वर्ष है और शनि का वर्ष है, तो इसमें हमें अपने आप को सुरक्षित करना है आकस्मिक दुर्घटनाओं से, परेशानियों से, आगजनी से, लूटपाट से, तो इसलिए हमें ये कार्य कर ही लेना चाहिए। तो जिसके भी एज के बराबर आपको लौंग लेनी है, सपोज आपका बच्चा 9 साल का है, आपका बच्चा 12 साल का है, या 35 वर्ष के हैं, या 45 वर्ष के हैं, तो 45 सिंगल लौंग ले लेना, फूल वाली लंबी लंबी, डंडी थोड़ी लंबी लेनी है, लाल रंग के कलाबों में उनको बांधते रहिए, जैसे हम लोग बंदर बाल बनाते हैं ना, ऐसी लौंग में इतनी डंडी होती है, उस पर आराम से कलाबा बन जाता है। आप लोगों की वो माला बनानी है, ये बच्चे के लिए बना सकते हैं, बूढ़े के लिए, अपने लिए, वो बच्चे जो बहुत दूर रहते हैं उनके लिए, जो बच्चे आपके दूर अब्रॉड में हैं, तो कहीं हॉस्टल में हैं, तो कहीं जॉब पर गए हुए हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही, यानी कि वो बीमार है, यानी कि वो आपके पास आ नहीं रहे, यानी कि वो आपकी बात मान नहीं रहे, आप उनकी वजह से बहुत परेशानी और चिंता में है, तो भी इस कार्य को आप बेफिक्र होकर कर सकती हैं। उनकी उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। अब आपको कलावा जो लेना है, सिर से लेकर पैर तक की नाप की लंबाई का लेना है। अब सिर से पैर तक की लंबाई, बच्चा दूर है तो आपको पता ही है कि मेरा बच्चा 5 फुट 5 इंच का है, मेरा बच्चा 6 फुट का है, मेरा बच्चा 5 फुट 7 इंच का है, उनको फीट को इंचेस में डिवाइड करके और फिर उतना आप नाप लीजिए। जैसे 165 सेंटीमीटर आपको गूगल पे मिल जाएगा, 165 सेंटीमीटर बना, 168 सेंटीमीटर ऐसे हुआ, ये आपको अपने अंदाजा है कि मैं इतनी बड़ी, मैं सारे ऑप्शन बता रही हूँ कि मैं इतनी बड़ी, मेरा बच्चा मुझसे इतना बड़ा है, समझ गए, मेरा बच्चा मुझसे इतना बड़ा है, तो आप अपने सिर से पैर तक नापिए और इतना फालतू ले लीजिए, ठीक है। उसको फोल्ड करके उसे लौंग की जितनी लौंग ली है उसके लिए उसकी माला टाइप बना लीजिए। ये कर लिया, आप एक साथ 4 5 6 जितनी भी मर्जी बना सकते हो। एक जटा वाला नारियल लेना है, उस पर उस बच्चे का नाम लेकर जिसके नाम की वो माला है वो लपेट देना, फिर दूसरे के नाम की माला लपेट देना, फिर तीसरे के नाम की माला लपेट देना, फिर चौथे के नाम की माला लपेट देना। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक जटे वाले नारियल के ऊपर आप 2 4 5 6 जितनी मर्जी लौंग की माला लपेट सकते हो, जितने भी अपने घर के सदस्य हैं उनके लिए आपने तैयार की है, ठीक है, आप ही तैयार कर लीजिए, आप ही लपेट दीजिए, उसके ऊपर एक लाल रंग की चुन्नी से ढक दीजिए, नारियल को लाल रंग की चुन्नी से ढक दीजिए, लपेट दीजिए, ठीक है। उसके पश्चात आपको वो महामाई के चरणों में रख देना है।
अब आपको हाथ जोड़ के ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको उसके बाद अपनी जो भी जिसके निमित्त आपने जिस वजह से वो माला बनाई है वो आप बोल दीजिएगा अपने बच्चे के लिए, उसका नाम, उसकी आयु, उसकी प्रॉब्लम, परेशानी जो भी है, या उसकी एक्सपेक्टेशंस कि क्या वो चाहता है जो वो अचीव नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो डिजर्व तो करता है पर अचीव नहीं कर पा रहा, वो बताते हुए आपने वो सब कुछ कर लिया। उसके बाद वो वहीं रखा रहेगा दसवीं के दिन, यानी कि जब आप इसका पारण करेंगे। हालांकि अभी चौकी और कलश का मैं वीडियो अलग से दूंगी आपको, विसर्जन कब करना है, कितने बजे करना है और क्या क्या करना है और क्या नहीं करना, वो अलग से वीडियो दूंगी। फिलहाल ये बता रही हूँ कि आपको ये नारियल वहीं रखे रहने देना है। अगर आपको भी टाइम बताऊँ इसके इस नारियल को हटाने का, तो मैं आपको टाइम बताऊंगी 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 11 से 11:15, 11:30, 11 बजे के बाद कभी भी आप इस नारियल को वहां से उठाइए मंदिर माता रानी के सामने से, अपने घर के मंदिर में जो आपने पहले दिन रखा है, यानी कि आपने 11 तारीख को रखा है, 12 तारीख को आपको 11 बजे के बाद उठाना है, उसे मस्तक से लगाना है, ले जाकर महामाई के चरणों में सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में रखकर आ जाना है। समझ लीजिए अपने अपने जीवन की सारी समस्याएं माता रानी के चरणों में रख दी, अपने पूरे परिवार का भार आपने उनके चरणों में रख दिया। बस इतना ही करना है, इतना जरूर से जरूर कर लीजिएगा पूरे नवरात्रों पर, जो भी करा हो या नहीं करा हो वो तो आपकी श्रद्धा है, जो भी हो पाया हो, लेकिन इस कार्य को कर लेने से आपके जीवन की अनेकों ऐसी समस्याएं, कहती हूँ ना कि अनेक ऐसी समस्याएं जिनका आपको समाधान नहीं मिल रहा था, वो समाधान मिल जाएगा। कर कर देखिए, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम का जयकारा जरूर लगाइए। माता रानी आपकी सारी मनोकामना